संतों के साथ में नृत्य करती है, नाचती है। मीरा बड़ी चिंतित हो गई। गोसाई में तुलसीदास जी को मीरा जी ने पत्र लिखा। मीरा जी कहती हैं कि हे तुलसी हुलसी कुलभूषण, तुलसी के कुल के भूषण संत तुलसीदास जी महाराज, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे जीवन का आधार तो केवल और केवल गोविंद का नाम और स्मरण है, पर परिवारी जन कहते हैं कि समाज में जाके नाचती है, संतों के साथ में नाचती है, तो नाक हमारी नीची हो जाती है। आप आदेश करें महाराज और प्रमाणिक बात बताएं। तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर जवाब लिख भेजा है, बहुत सुंदर बात कही कि जाके प्रिय ना राम वैदेही, कि जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजियो ताही कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। भगवान राघवेंद्र जिनको प्रिय न लगे, सीधा राम जी के चरणों में जिनका अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है मीरा, उसको करोड़ों बैरियों के समान त्याग देना चाहिए। तो मीरा ने पूछा, महाराज मैं ही इस कार्य को आरंभ करूं या पहले किसी और ने भी किया है, आदेश करें और प्रमाणिक बात कहें महाराज, तो हमारे संत तो कहने लगे कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंदोवरत वातारी, गुरु बन तजो कंस ब्रज बन तन, भय मोद मंगल चारी। तो मीरा की मनस्थिति ऐसी बनी, गोस्वामी जी बड़े प्रमाणिक संत हैं, तो सत्चित और आनंद स्वरूप जो श्री कृष्ण हैं, तीनों प्रकार के तापों को भ्रष्ट करने की जिनके नामों में शक्ति है, ऐसे परम मंदनी गोविंद के चरणों हम प्रणाम करते हैं। तो भागवत के प्रथम अध्याय में प्रधान आचार्य तो पूज्य श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज हैं। सुखदेव के चरणों में वंदन करते हुए बोले कि यम प्रजेन्त मम पेतम पेत कृत्यम, कातर जुहावा, पुत्रेत तनमय तया तरवो भिनेन्दु, तम सर्वभूत हृदय मुनि मान तोष्मि। भागवत के प्रधान आचार्य श्री पूज्य सुखदेव स्वामी, जिन्होंने मातृ गर्भ में द्वादश वर्षों तक वास किया, सुखदेव जी ने माता के गर्भ में 12 वर्षों तक निवास किया, अपने पूज्य पिता महाराज के आदेश का अनुपालन करते हुए गर्भ से प्रकट होकर के बाहर आए और आते ही सीधे वन की ओर चल दिए, यानी जिनका भी कोई जन्म संस्कार भी नहीं हुआ है, कोई नाड़ा काटते ना हम लोग, वो नाड़ा भी नहीं कटाया, सीधे चल दिए, सीधे संन्यास आश्रम में जाकर के प्रवेश कर लिया। पुत्रेत तन्मय तया तर्गोविदेन्दु, सं सर्वभूत हृदय मुनि मान तोष्मि। पुत्र पुत्र कहकर के सुखदेव स्वामी इनके पीछे दौड़ लगाते हैं, पीछे पीछे भागते जा रहा है, पुत्र रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो तुम, अभी तो तुम्हारा जन्म हुआ है, छोटे हो। लेकिन वृक्षों ने अभिनंदन करते हुए कहा, महाराज ये तो सर्वभूत हृदय है, ये तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, कितनी बार आप इनके पिता और कितनी बार ये आपके पिता बन चुके हैं, इस सांसारिक शारीरिक कर्म है और आत्मानुभूति जिसे होता है वो तो पड़ता नहीं इस चंगार संसार के चक्कर में। तो व्यास जी महाराज ने देखा इतना बड़ा ज्ञानी है मेरा पुत्र, तो लौट करके वापिस चले आए, ऐसे सर्वभूत पूज्यवर्षी सुखदेव चांद के चरणों में हम वंदन करते हुए प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं और स्वस्ते श्री गणेशाय नमः।
गणपति महाराज, नारायण और माता सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत